viewers, please subscribe, like, and share our channel. Thank you. प्यारे बच्चों, ये कहानी है बैटमैन और ओल्ड एज होम की। गॉथम शहर का मौसम बहुत सर्द और रात बहुत अंधेरी थी, लेकिन बैटमैन अपनी ड्यूटी पर मौजूद था। एक रात उसे कमिश्नर गॉर्डन की तरफ से कॉल आई कि बैटमैन, हमें एक पुराने ओल्ड एज होम से स्ट्रेंज एक्टिविटीज की रिपोर्ट्स मिल रही हैं। वहां कुछ बूढ़े लोग ओल्ड एज होम से गायब हो रहे हैं। बैटमैन ने बिना वक्त जाया किए ओल्ड एज होम की तरफ रुख किया। वहां पहुंचकर उसने देखा कि कुछ रूम्स खाली थे और बूढ़े लोगों की चीजें इधर उधर फैली हुई थी। सब लोग डर और परेशानी में थे। बैटमैन ने वहां के केयर टेकर मिस्टर विलियम से बात की। मिस्टर विलियम ने बताया कि कुछ हफ्तों से ये गायब होने का सिलसिला शुरू हुआ है और कुछ पता नहीं चल रहा कि क्या हो रहा है। बैटमैन ने फैसला किया कि वो रात को वहां रुकेगा और पता लगाएगा कि आखिर यहां चल क्या रहा है। रात को जब सब सो गए, बैटमैन ने अपने गैजेट रेडी किए और इन्वेस्टिगेशन शुरू की। थोड़ी ही देर बाद उसे एक कमरे से कुछ आवाजें सुनाई दी। बैटमैन चुपके से उस कमरे की तरफ गया जहां से आवाजें आ रही थी। उसने देखा कि स्केयरक्रो, जो कि पहले भी ऐसे गलत काम कर चुका था, वो अपनी जहर से भरी गैस से ओल्ड एज लोगों को बेहोश करके अपने साथ ले जा रहा था। बैटमैन ने फौरन एक्शन लिया और स्केयरक्रो को रोकने की कोशिश की। दोनों के बीच काफी इंटेंस लड़ाई भी हुई, लेकिन आखिरकार बैटमैन ने स्केयरक्रो को हरा दिया और बूढ़े लोगों को वापस ले आया। सब लोग सेफ थे और उनकी जान बच गई। लेकिन बच्चों, ये कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई, बल्कि अब ये कहानी अलग रुख लेने वाली है। बैटमैन ने देखा कि इन बुजुर्ग लोगों को सिर्फ फिजिकल प्रोटेक्शन नहीं, बल्कि इमोशनल सपोर्ट की भी जरूरत है। बैटमैन ने केयरटेकर मिस्टर विलियम से कहा कि वो बूढ़े लोगों की फैमिली वालों को कॉन्टेक्ट करें और उनको समझाएं कि अपने बुजुर्गों का ख्याल रखना कितना जरूरी है। मिस्टर विलियम ने सब बूढ़े लोगों की फैमिलीज को बुलाया और बैटमैन ने उन सबको समझाया कि ये बुजुर्ग लोग हमारे दादा दादी नाना नानी हैं। इन्होंने अपनी जिंदगी हमारे लिए कुर्बान की है। अब हमारी बारी है कि हम इनका ख्याल रखें, इन्हें मोहब्बत दें, इन्हें तवज्जो दें, जो कि इनकी जरूरत है। ये सुनकर सब फैमिलीज के मेंबर्स ने वादा किया कि वो अपने बुजुर्गों का ख्याल रखेंगे और उन्हें कभी अकेला महसूस नहीं होने देंगे। बुजुर्ग लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट वापस आ गई और उनको अपनी फैमिलीज का प्यार वापस मिल गया। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक सीखने को मिलता है कि हमें बुजुर्गों का हमेशा ख्याल रखना चाहिए, उन्हें प्यार, इज्जत और एहतराम देना चाहिए, क्योंकि वो हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। बैटमैन ने एक बार फिर गौतम को ना सिर्फ बचाया, बल्कि सबको एक जिंदगी का अहम सबक भी सिखाया। Hey viewers, please subscribe, like, and share our channel. Thank you.